हस्पानिया किसी ज़माने में मगरबी दुनिया के अजीम तरीन ममालक में शुमार होता था। मुसलमानों की फतह से पहले यहाँ की हकूमत सल्तनत रूम के हमसर थी। मुसलमानों के दौर में ये पूरे यूरोप के लिए रोशनी का मीनार था। हस्पानिया पर मुसलमानों के हमलों से चंद साल पहले वटीजा की हकूमत थी, जो यहूदियों का खैर ख्वा, गरीबों का मामन और शराफत का हामी था। इसी वजह से फौजी उमारा ने इसके खिलाफ बगावत करके फौज के जोर से राडरिक को बादशाह बना डाला और वटीजा को कत्ल कर दिया गया। लेकिन बहुत से उमारा और वटीजा के रिश्तेदार इस नए बादशाह के खिलाफ थे और इस नए बादशाह का तख्ता उल्टने के किसी भी मंसूबे में तआवुन के लिए तैयार थे। दूसरी तरफ अरबों को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के तकरीबन 70 बरस बाद वो अरूज हासिल हुआ कि जिसकी नज़ीर दुनिया की तारीख में बहुत कम मिलती है, जिसको आज तमाम यूरोप नहायत तअज्जुब की नज़रों से देखता है और उनकी इस बेनज़ीर कामयाबी पर तमाम दुनिया अश करती है। 670 ईस्वी में उकबा बिन नाफे ने मिस्र के सहराओं को अबूर करके शमाली अफ्रीका को फतह किया और अपने रास्ते में मुख्तलिफ मकामात पर अस्करी चौकियाँ भी कायम की। शमाली अफ्रीका फतह करने के बाद जब वो बहराए ओकियानूस तक पहुँचे तो फरते जज्बात में अपना घोड़ा समुंदर में डाल दिया और अल्लाह ताला से मुखातब होकर कहा कि अगर ये समंदर मेरी राह में हायल ना होता तो ज़मीन के आखिरी कोने तक तेरा नाम बुलंद करता चला जाता। शायर मशरक डॉक्टर इलामा इकबाल ने इस तारीखी वाक़े को अपनी नज़म शिकवा में इस तरह बयान किया है कि दश्त तो दश्त हैं, दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। बर्बर कौम हरियत पसंद और जंगजू थी। इस कौम ने बड़ी मुश्किल से अरबों की अतात कबूल की थी। गालबन इस्लामी फतुहात में सबसे ज़्यादा मुश्किल शमाली अफ्रीका ही को फतह करने में हुई थी। वो बार बार मरकजी हुकूमत के खिलाफ बगावत कर दिया करते थे। तारीख इस्लाम के अजीम सिपा सालार उकबा बिन नाफे भी इन्हीं बर्बरों के हाथों शहीद हुए थे। इसके बाद जब मूसा बिन नसेर अफ्रीका के गवर्नर बनकर आए तो उन्होंने बर्बरों की सलाहियतों को दूसरी तरफ इस्तेमाल करने का फ़ैसला किया ताकि बर्बरों को मरकजी हुकूमत के खिलाफ बगावत का मौका ही ना मिल सके। इस मकसद के लिए हस्पानिया की फतह बेहतरीन मंसूबा था, क्योंकि कदीम ज़माने से बर्बरों और हस्पानिया के दरमियान जंगें होती आ रही थीं। बिलअमूम बर्बरों का हमला सप्ता पर होता था। हस्पानिया की फतह का फौरी सबब यह साबित हुआ कि सप्ता का हुक्मरान काउंट जोलिन, जिसने दो मरतबा मुसलमानों के हमले को नाकाम बना दिया था, वो खुद मूसा बिन नसेर की खिदमत में हाजिर हुआ और इंदलस पर हमला करने की दावत दी। मूसा बिन नसेर ने सोचो विचार के लिए कुछ वक़्त तलब किया और इसी दौरान उन्होंने खलीफा वलीद बिन अब्दुल मलक से भी इजाज़त तलब कर ली। इसके बाद काउंट जोलिन के साथ मुआहदा किया गया। जोलिन साबका बादशाह वटीजा का करीबी रिश्तेदार गालबन दामाद था, इसलिए उसने वटीजा के दूसरे रिश्तेदारों को भी मुआहदे में शामिल कर लिया और इंदलस की फतह की स्कीम तैयार कर ली। मूसा बिन नसेर ने पहले सिर्फ 500 सवारों पर मुश्तमिल एक छापामार दस्ता तैयार किया और अपने एक बर्बर गुलाम तरीफ को इसका सरबरा बनाकर हस्पानिया के साहिल पर छापा मारने के लिए रवाना किया। ये दस्ता जुलाई 710 ईस्वी में अलजजीरा पर हमला आवर हुआ और फतेहमंद वापस लौटा। इस हमले से हस्पानिया की दाखिली कमज़ोरी, फौजियों की बुजदिली और निज़ाम अस्करी की खामियों का भी पता चल गया था। मूसा बिन नसेर ने इसके बाद 7000 सवारों पर मुश्तमिल एक लश्कर तैयार किया, जिसकी क़यादत अपने आज़ाद करदा ग़ुलाम तारक बिन ज़ियाद के हवाले की और ये लश्कर 9 जुलाई 711 ईस्वी को इस जगह पर पहुंचा जिसे जबले तारक कहा जाता है। काउंट जोलिन इनके साथ था और इंदलस पहुंचने के लिए बहरी बेड़ा भी उसी ने मुहैया किया था। तारक बिन ज़ियाद ने साहिल इंदलस पर उतरते ही इन जहाज़ों को आग लगा दी जिन पर सवार होकर वो शमाली अफ्रीका से यहाँ आए थे। ये गोया इस बात का ऐलान था
कि अब मरना और जीना इसी सरजमीन पर है और वापस भागने के लिए कोई गुंजाइश नहीं है। तारक बिन ज़ियाद का पहला मुकाबला थियोडमीर वालिय मुर्सिया के साथ हुआ। थियोडमीर राडरिक का तजर्बा कार जर्नैल था, लेकिन वो शिकस्त खाकर इस बुरी तरह से बदहवस हुआ कि उसने बादशाह के पास पहुंचकर इत्तला दी कि हमारे मुल्क पर ऐसे लोगों ने हमला किया है जिनका ना वतन मालूम है और ना असलियत, कि वो कहां से आए हैं, ज़मीन से निकले हैं या आसमान से उतरे हैं। राडरिक ने इस इत्तला पर शुमाली स्पेन की जंगों को मुलतवी कर दिया और फौरन दारुल हुकूमत पहुंचा और हर तरफ कासिद दौड़ा दिए, जगीरदारों और उमारा को फौजें लेकर पहुंचने का हुक्म दे दिया। इसके अलावा पादरियों ने मजहबी जंग का आवाज किया और 1,00,000 का लश्कर इकट्ठा हो गया। इन तमाम तैयारियों की खबर तारक बिन ज़ियाद ने मूसा बिन नसीर को भेजी और मूसा बिन नसीर ने मजीद 5,000 फौज भेज दी। इस तरह से 1,00,000 के अंदलसी लश्कर के मुकाबले में 12,000 मुजाहिदीन की एक जमात तैयार होगी। दोनों फौजें आमने सामने हुई तो एक अजीब मंजर था। एक तरफ 1,00,000 टड्डी दिल जो हर तरह के असले से लेस था और दूसरी तरफ सिर्फ 12,000 इंसान जो अपने वतन से दूर कमको रसद से मायूस थे और जिनके पास दुश्मन के मुकाबले असला भी बहुत कम था। तारक बिन ज़ियाद ने अपने साथियों के चेहरों पर इस सूरत हाल का रद्द अमल पड़ा तो उन्होंने एक पुरजोश खिताब किया। बिला आखिर तबले जंग बजे और फौजें आमने सामने हुई। एक हफ्ते तक सुबह से शाम तक लड़ाई होती रही और शाम को दोनों लश्कर एक दूसरे से अलग हो जाते। इस्लामी लश्कर बहुत बहादुरी से लड़ रहा था, लेकिन अपने से 8 गुना ज़्यादा लश्कर जिसे तमाम सहूलतें हासिल हों शिकस्त देना इतना आसान नहीं था। 8वें रोज़ तारक बिन ज़ियाद ने भरपूर हमले का हुक्म दिया। साबिक बादशाह वटीज़ा के रिश्तेदार राडरिक का साथ छोड़ चुके थे। राडरिक की फ़ौज का दाएं और बाएं पहलू इन्हीं की कमान में था। क्लब की क़यादत वो खुद कर रहा था। तारक बिन ज़ियाद ने पूरा ज़ोर क्लब पर ही लगा दिया और अरबों बरबर इस बहादुरी से लड़े कि मसीही लश्कर भाग खड़ा हुआ। खुद राडरिक भी मैदान जंग से भाग निकला और कहा जाता है कि दरिया अबूर करने की कोशिश करते हुए वो लहरों की नज़र हो गया था। हस्पानिया की मरकजी हकूमत की शिकस्त के बाद तारक बिन ज़ियाद ने अपनी फ़ौज छोटे छोटे दस्तों में तकसीम करके मुख्तलिफ शहरों की तरफ रवाना कर दी। मुसलमानों ने पहला हमला असेजा पर किया जहां गार्डेस की शिकस्त खुर्दा फौज जमा हो रही थी। अल्लाह ताला ने यहां भी मुसलमानों को फतह अता फरमाई और कुर्तबा की फतह का सेहरा मुगीस रूमी के सर बांधा गया। मालागा और गरनाता भी फतह हो गए। दारुल हकूमत तलीतला के बाशिंदे मुसलमानों की आमद की खबर सुनकर शहर छोड़कर भाग गए। फतह की बशारत मिलते ही मूसा बिन नसीर भी हस्पानिया रवाना हो गए। मूसा बिन नसीर ने फतह हस्पानिया की तकमील के लिए करमूना, अशबिरिया और मारवा को फतह किया और इसके बाद दारुल हकूमत तलीतला में तारक बिन ज़ियाद के साथ आ मिले। स्पेन के शमाली हिस्से की तस्खीर दोनों की मुतहिदा फौजों ने मिलकर की और सरकोना, अरगोन और बार्सिलोना के इलाके फतह किए।